तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से और ये वक्त 1860 का था। हम जंगल के बीच एक घर को देखते हैं। इस घर में फ्लोरेंस नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक दिन मौसम बहुत खराब था, जैसे कि वक्त 1860 का है। उस वक्त लाइट भी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ये लोग मोमबत्ती का ही इस्तेमाल किया करते थे। आज भी फ्लोरेंस अपने कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ बैठी थी। अचानक से उसे नीचे जाना पड़ता है, तभी वो देखती है उसके पीछे कोई चीज थी जो सफेद कपड़ा ओढ़े खड़ी थी। परेशान वो तब होती है जब वो सफेद कपड़ा उसके बच्चों के कमरे में जा रहा था। वो डर जाती है। फ्लोरेंस जब उसका पीछा करती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जब वो अपने बच्चों के कमरे में आती है तो वहाँ से उसका बेटा गायब था। ये अपनी बेटी से पूछती है, वो बताती है कि उसको ब्लैक मैन ले गया। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ऐसे ही उसे डरा रही है। जब ये अपने बेटे को ढूंढने नीचे जाती है, नीचे ये अपनी नौकरानी से अपने बेटे को ढूंढने का कहती है, तभी उसे अपने बच्चों के कमरे से दोबारा से आवाज आती है। जब ये कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर इसे अपना कोई भी बच्चा नहीं मिलता। ये काफी डर गई थी और पागलों की तरह अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। उसकी नौकरानी उसके पास आती है और बताती है कि उसे उसके बच्चे कहीं पर भी नहीं मिले। तभी फ्लोरेंस को अपने पीछे सफेद कपड़ा नजर आता है। जो भी उस कपड़े के पीछे था वो काफी डरावनी हंसी हंस रहा था। फ्लोरेंस को ऐसा लग रहा था कि ये उसका बेटा होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब ये कपड़ा हटाती है तो उधर कोई भी नहीं था। कहानी यहाँ से 3 महीने आगे जाती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। भूत-प्रेत आत्माओं के बारे में काफी अच्छे से जानती थी और उनसे बात भी कर सकती थी। वो एक आदमी की मदद कर रही थी, उस आदमी का बेटा भी गायब हो गया था। तभी वहाँ पर फ्लोरेंस आती है। वो उस लेडी से मदद मांगती है पर वो मदद करने से उसे मना कर देती है। फ्लोरेंस ये सुनकर काफी दुखी हो गई थी क्योंकि उसके बच्चे अभी तक नहीं मिले थे। हम वहाँ पर एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैली था। वो भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी पर उसके तरीके कुछ अलग थे। वो फ्लोरेंस से पूछती है कि वो क्यों आई है, तो वो बताती है कि 3 महीने पहले मेरे बच्चे गायब हो गए थे और अब मुझे लगता है कि मेरे घर में कोई साया किसी आदमी की आत्मा है और उसका नाम नर्सरी मैन बताती है। वो बताती है कि मेरे बच्चे उस साई को किसी नाम से बुलाते थे। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने अपने बच्चों की बातों पर यकीन नहीं किया, मगर अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो आत्मा मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर गई है। न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है मेरे बच्चे अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक अजीब डरावनी हंसी के साथ साथ मुझे मेरे बच्चों की हंसी भी सुनाई देती है और मुझे अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज भी। ये सुनकर कैली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन ये उसके घर जाती है। फ्लोरेंस ने अपने घर के सारे शीशे कपड़े से ढके हुए थे क्योंकि वो आत्मा उसे शीशे में नजर आती थी। कैली वहाँ से जब एक शीशे से कपड़ा हटाकर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये घर फ्लोरेंस के हस्बैंड का खानदानी घर था और कुछ सालों पहले इसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी। कैली उससे पूछती है कि तुम्हें अपने बच्चों की आवाज़ कहाँ पर सबसे ज्यादा सुनाई देती है। वो उसको बच्चों के कमरे के बारे में बताती है। कैली यहाँ पर अपने डॉसिंग रॉड निकालती है। ये वो रॉड थे जिनकी मदद से आत्माओं से बात कर सकते थे। कैली जब बच्चों के कमरे में आती है तो उसे महसूस होता है जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। कैली फ्लोरेंस के बच्चों से कहती है, क्या तुम लोग इधर हो? अगर हो तो तुम मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। तभी वहाँ पर ABC वाले ब्लॉक्स आकर नीचे गिरते हैं। वो लफ्ज बना रहे थे, हियर यानी कि हम यहाँ पर हैं। तभी उसके हाथ में जो रॉड थे वो गर्म हो जाते हैं जिससे उसके हाथ जल गए थे। इसके बाद हम कैली के घर को देखते हैं। वहाँ पर उसका बेटा भी था। वो अपने बेटे को फ्लोरेंस के बारे में बताती है कि उसे मेरी मदद की जरूरत है और अपने बेटे से कुछ किताबें भी लाने का कहती है। उसका बेटा कैली को फ्लोरेंस का खत देता है जिसमें फ्लोरेंस ने लिखा था अब वो अपने घर में नहीं रहना चाहती और उस घर में रहकर इसे अपने बच्चों की याद भी आती है और जो कुछ भी उसके घर में कैली के साथ हुआ वो उसे भी यही कह रही थी कि इस केस से दूर रहो। लेकिन कैली ने इस बात को ठान लिया था कि वो इस केस को हल जरूर करेगी। वो एक हफ्ते बाद उसी घर में शिफ्ट हो जाती है और फिर वो घर के सभी शीशों पर से कपड़ा हटा देती है। अब वो शीशे के सामने खड़े होकर बगैर आंखें झपके देखने लगती है। यहीं पर कैली पहले तो बच्चों के कमरे के बाहर होली पाउडर डाल देती है जिससे कोई भी आत्मा अगर इस कमरे में होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। इसके साथ साथ वो 3-4 घंटियां भी लगा देती है। अब वो शीशे वाले तरीके को पूरा करने के लिए एक किताब पढ़ती है ताकि वो दूसरी दुनिया में झांक पाए।
लेकिन तभी शीशे में उसे कोई कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा था। यहीं पर वो फ्लोरेंस की बेटी को भी महसूस करती है, जो घूम कर दोबारा से अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ पर नर्सरी मैन की आत्मा भी केली को बार बार डराने की कोशिश कर रही थी, तो उसको नर्सरी मैन की आत्मा दोबारा डराती है। केली उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। जब ये सोने जाती है तो तभी आधी रात को उसको बच्चों के कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वहाँ पर जब ये जाकर देखती है तो उधर एक डरावनी गुड़िया पड़ी थी। अगले दिन केली जब शीशे के सामने अपनी गर्दन को देखती है, उस पर अजीब से निशान थे और वहाँ पर ब्लॉक्स भी पड़े थे जिनसे लिखा था आई कैन, मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद केली बच्चों के कमरे के बाहर अब कुछ कॉइन्स सिक्कों को भी रख देती है ताकि वो आत्मा उसे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। उसको नर्सरी मैन की बनाई हुई एक ड्रॉइंग भी मिलती है जिसके पीछे ए लिखा हुआ था। एक दिन केली का बेटा उसे खत भेजता है क्योंकि उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चला था जो काफी वक्त पहले इसी घर में रहा करती थी, जो अब फ्लोरेंस का था। इसीलिए अपने बेटे के बताने पर केली उस बुढ़ी औरत से मिलने जाती है। वो बुढ़ी औरत उसे बताती है कि मैंने उस घर में किसी की आत्मा को महसूस किया है और कई बार शीशे में भी देखा है। इस बात को 70 साल हो गए हैं, पर आज भी मुझे उस आत्मा से डर लगता है। वो औरत बताती है इसी आत्मा ने मेरे भाई को भी गायब कर दिया था और मेरा भाई आज तक नहीं मिल पाया, जिसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया, नहीं तो वो मुझे भी मार देता। बातों बातों में केली के हाथ से नर्सरी मैन की ड्राइंग गिर जाती है जिसे उस बुढ़ी औरत ने पहचान लिया था, क्योंकि इस ड्राइंग को उस औरत के भाई ने ही बनाया था जो गायब हो गया था। वो बताती है कि मेरे भाई ने जब सबको इस बारे में बताना चाहा तो किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। केली उस बुढ़ी औरत से पूछती है क्या इस आत्मा को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। बुढ़ी औरत कहती है नहीं, 7 साल पहले भी मेरे पास एक आदमी आया था जो उसी घर में रहता था और उसके बच्चे भी गायब हो गए थे। वो भी मेरे पास मदद मांगने आया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है बुढ़ी औरत जिस आदमी के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्लोरेंस का हस्बैंड था। फ्लोरेंस के बच्चे तो 3 महीने पहले गायब हुए थे, तो उसका हस्बैंड 7 साल पहले अपने बच्चों के लिए इस औरत के पास क्यों आया था, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जाते जाते केली को बुढ़ी औरत एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि उस आत्मा ने मुझे निशान दिया था जिसके बाद वो हर उस इंसान को मार देती है जिसे निशान देती है, पर मैंने उस घर को छोड़ दिया तभी मैं जिंदा हूँ। जब केली उसे अपना निशान दिखाती है तो वो बुढ़ी औरत कहती है तुम्हें जल्दी उस घर को छोड़ना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। पर केली उस बुढ़ी औरत की नहीं सुनती और चली जाती है। वो अब फ्लोरेंस के पास आ गई थी, उसे सब बता देती है जो बुढ़ी औरत ने उसे बताया था। फ्लोरेंस सब बातें सुनकर अपने आप को बुरा भला कह रही थी क्योंकि उसने अपने बच्चों की बात पर यकीन नहीं किया था, हालांकि उसके बच्चों ने उसे बताया भी था। केली जब उससे उसके हस्बैंड की मौत की वजह पूछती है तो वो बताती है कि उस आत्मा ने मेरे हस्बैंड को एक निशान दिया था जिसके बाद वो मर गया और मुझे भी बिल्कुल वैसा ही निशान दिया है, इसीलिए मैंने उस घर को छोड़ दिया। ये सुनकर केली वापस से अपने घर आ गई थी क्योंकि उसने अपने बेटे से कुछ किताबें मंगवाई थी जो किसी और ने नहीं बल्कि फ्लोरेंस के हस्बैंड ने लिखी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। केली का बेटा डार्कवुड हाउस की बहुत सारी किताबें लेकर आता है। सारी रात केली और उसका बेटा उन किताबों को पढ़ते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी केली के बेटे को महसूस होता है कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसे बहुत डर लगता है और इसी डर की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। असल सच्चाई केली को तब पता चलती है जब वो वहाँ पर फ्लोरेंस के हस्बैंड की लिखी हुई किताब पढ़ती है। फ्लोरेंस का हस्बैंड बचपन से ही उसी घर में रहा करता था। वो आत्मा उसको बचपन में भी डराया करती थी मगर जब वो बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तो वो आत्मा यानी कि जिसको नर्सरी मैन भी कहते थे उसने उसके बच्चों को गायब कर दिया। फ्लोरेंस के हस्बैंड ने फिर दूसरी शादी की जिससे उसके पास 2 बच्चे थे। इस बार फ्लोरेंस का हस्बैंड उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार था मगर इस बार भी उसके बच्चे गायब हो गए। फिर उसने फ्लोरेंस से शादी की यानी कि फ्लोरेंस उसकी तीसरी बीवी थी। इस बार भी वो उस आत्मा का मुकाबला करने के लिए तैयार था मगर इससे पहले वो खुद ही मर गया और फिर फ्लोरेंस के बच्चे गायब हो गए। केली ये सब जानने के बाद बच्चों के कमरे में जाती है जहाँ पर वो नर्सरी मैन की आत्मा आकर उसे दोबारा से डरा रही थी। जब ये सब बातें जाकर केली फ्लोरेंस को बताती है तो वो बहुत रोती है और काबू में भी नहीं रहती। इस वजह से केली उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा देती है। फिर
फिर वापस से फ्लोरेंस के घर आती है। यहाँ पर उसका बेटा भी उससे मिलने आया था, जो आकर जब उस कमरे में जाता है तो वहाँ पहुँचकर उन कॉइन्स को देखता है जो कैरी ने वहाँ पर रखे हुए थे। कैरी का बेटा उन सिक्कों में से एक को हटा देता है। तभी कैरी के बेटे को बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। जब ये कैरी को बुलाता है तो उधर कोई भी नहीं था, अचानक से दरवाजा बंद हो गया था। उधर दूसरी तरफ लॉरेंस ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। कैली अब दोबारा से फ्लोरेंस के घर आती है और उस आत्मा को चैलेंज करती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते, और घर के सभी शीशों को तोड़ देती है। जिसके बाद वो उस आत्मा से कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर तुम्हें ले जाना है तो मुझे साथ ले जाओ। जब ये ढूंढती है तो इसे इसका बेटा मिल गया था। ये अब उसको लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसको एक किताब मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि पहले जमाने में लोग एक जादू करते थे। तो कैली यहाँ पर तरीका पढ़ती है, अगर उस इंसान की हड्डियों को निकाल होली कर यानी पाक कर उसे जमीन में दबा दिया जाए तो वो आत्मा आजाद हो जाएगी। ये जानने के बाद कैली अब दोबारा से फ्लोरेंस के घर में जाती है। कैली को ढूंढने पर वो निशान मिल गया था। उसको उस कमरे में से खोपड़ी मिलती है जिसको ये दफनाने के लिए अपने बेटे को दे देती है। मगर जैसे ही ये वहाँ से जाने लगती है, वहाँ पर कोई आत्मा आकर कैली को बेहोश कर देती है। फ्लोरेंस के घर में आग लग गई थी, मगर कैली का बेटा उस खोपड़ी को बाहर ले जाकर मिट्टी में दफना देता है। जिसके बाद कैली के पास हम एक आदमी को देखते हैं जो उसको हाथ देकर उठा रहा था। बाहर कैली का बेटा अपनी मॉम को देख रहा था जो उसे अपनी तरफ आने का कह रही थी। जब ये अपनी मॉम कैली का पीछा करता है तो इसे वहाँ पर कैली की लाश मिलती है। जी हाँ, कैली मर चुकी थी और उसका बेटा उसे उठाकर रोते रोते अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर जिसने भी उस आत्मा का सामना करना चाहा वो अपनी जान से गया, मगर उसने मरते मरते उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन बदले में उसने अपनी जान गवा दी। और जिस आदमी को हमने देखा था जिसने कैली को हाथ दिया था, उसके हस्बैंड की आत्मा थी जो कैली को अपने साथ लेने आई थी। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।